खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां पहली बारिश में ही चेक डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक इस चेक डैम का निर्माण 12 लाख रुपए की लागत से किया गया था। आपको बता दें कि इस चेक डैम का निर्माण मनरेगा के तहत किया गया था। ये मामला मैनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत चलना पदर का है। अब तक चेक डैम के लिए कोई भी राशि नहीं दी गई है। अगर नुकसान हुआ है तो इसकी वसूली संबंधित पंचायत से की जाएगी। अब लोग इसके अपनी निर्माण एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। वही जानकारी मिलते ही जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि मैनपुर परियोजना अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया है। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। आपको बता दें कि लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बीच ये जो चेक डैम है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इसकी लागत में करीब 12 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसके बाद से लगातार बारिश का दौर शुरू होते ही इस तरीके की समस्या बढ़ती हुई नजर आती है। और वहीं इसको लेकर लगातार शिकायत भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी लागत का जो पैसा है वो पंचायत से वसूला जाएगा। गरियाबंद से ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये चेक डैम की तस्वीरें हैं जो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश का दौर है और यहाँ पानी भरने का जो सिलसिला है वो देखा जा सकता है। और इसी को लेकर ग्रामीणों की ओर से शिकायत भी की गई है। और वहीं अब ये कहा जा रहा है कि इसकी लागत में जो 12 लाख रुपए का खर्च हुआ था उसको देखते हुए ये भी कहा गया है कि अब ये सारा पैसा पंचायत से वसूला जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसका निर्माण मनरेगा के तहत किया गया था। ये मामला मैनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत चलना पदर का बताया जा रहा है। अब तक चेक डैम के लिए कोई भी राशि नहीं दी गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर नुकसान हुआ तो इसकी वसूली संबंधित पंचायत से की जाएगी। और लोग अब इसके निर्माण एजेंसी पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। वही जानकारी मिलते ही जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि मैनपुर परियोजना अधिकारी को जांच के लिए भी भेज दिया गया है। लगातार ये देखा जा सकता है कि बारिश की वजह से चेक डैम को भारी नुकसान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बारिश में ही जो चेक डैम है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके निर्माण में 12 लाख रुपए खर्च किए गए थे और कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि इसको लेकर शिकायत भी की गई है। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ गरियाबंद से संवाददाता फारूक मेमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, जिस तरीके से गरियाबंद से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें देखा जा सकता है कि पहली ही बारिश के बाद ये जो चेक डैम का निर्माण हुआ था, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है किस तरीके से इसको सुधारा जा सकता है या वहां के लोगों को इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो एक, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपकी आवाज आने में काफी दिक्कत हो रही मुझे। फारूक, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से वहां पर चेक डैम का निर्माण किया गया था, 12 लाख रुपए की लागत से ये निर्माण हुआ था, वहीं अब देखा जा सकता है कि बारिश की वजह से ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब शिकायतें भी की जा रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये डैम जो है 12 लाख की लागत से मनरेगा की ओर से बन रहा था और ये डैम पहली ही बरसात में बह गया। इससे इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता या इसके पीछे जो भ्रष्टाचार की कहानी है उसे बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। अब रह जाती है, ग्रामीणों की लंबे समय से इस संबंध में शिकायत रही है कि डैम ठीक नहीं बन रहा है, उसके बाद भी डैम को बनाने में जुटे हुए थे और उसके जो नींव था, जो नीचे का जो पिल्लर होना चाहिए वो उसका आधार उससे मजबूत नहीं था, जिसके चलते ये घटना हुई है और पहले ही बारिश में यह बह गया है। इससे इसकी गुणवत्ता का आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं या क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों की आसानी से आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या इन किन स्थितियों में पंचायतों में कार्य हो रहे हैं। वहीं फारूक, जिस तरीके से देखा जाए तो निर्माण एजेंसियों पर भी अब सवाल खड़े होते हैं। क्या लगता है इसका जो पैसा है, जो लागत का पैसा है, वो किस तरीके से अब वसूला जाएगा? देखिए, निर्माण एजेंसी की अगर कोई बात करे तो मनरेगा का काम है, पंचायत के अधीन में होता है, पंचायत इस काम को करवाती है और पंचायत के द्वारा होने वाले कामों को वैसे भी लगातार शिकायतें मिलती रहती है और लगातार इस संबंध में शिकायतें की जाती रही है। लेकिन सवाल यह है कि उस पर कार्रवाई होने की बात जो होती है वो कहीं नजर नहीं आती, आज भी नजर नहीं आती, पहले भी नजर नहीं आया है, जिसके चलते इनके हौसले बढ़े हुए हैं। पंचायत या पंचायत के इसको पंचायत ने जिसको एजेंसी नियुक्त किया था वो तो अधिकतर होता यह है कि अपने पंचों को या सचिव के माध्यम से ये कार्य होता है, जिसके चलते जो है प्रभावशाली जो सचिव होते हैं या प्रभावशाली पंच वो काम को ले लेते हैं और इस तरह के काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में 12 करोड़ रुपए का काम जो ये चल रहा था वो बह चुका है। अब एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इसकी मजदूरी का भुगतान भी हो चुका है। अब रह जाती है सिर्फ ये है कि निर्माण कार्य की जितनी सीमेंट वाले कार्य है उनकी स्थिति को लेकर के संशय की स्थिति बनी है, क्योंकि मजदूरी मिलने के बाद में आधा पैसा तो लगभग निकल गया है, आधा पैसा इनका बचा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि निर्माण कार्य जो हुए पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था
और उसकी एक पहला ही बरसात में पोल खोल कर रख दी गई है। अब अगर एक पंचायत का ये हाल है तो बाकी पंचायतों को आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं वहां पर। ठीक है फारूक मेमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से फारूक ने बताया कि कहीं ना कहीं निर्माण एजेंसियों पर भी अब इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, अब ये माना जा सकता है कि 12 लाख का ये निर्माण कार्य था और कहीं ना कहीं इसकी जो निर्माण कार्य में लगी हुई राशि थी वो भी अब पंचायत के तौर पर अब वसूली जाएगी। और ये भी माना जा सकता है कि जो बारिश का दौर देखने को मिल रहा है इसके बाद जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार की भेंट चेकडैम चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भी बुरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हो सकता है।